आप देख रहे हैं करण न्यूज, मैं हूं जिया यादव। नागपुर के बस स्टैंड में उस समय में खलबली मच गई जब एक काला कोबरा नाग चौकी के अंदर दाखिल हुआ। इस मौके पर सर्प मित्रों को बुलाया गया। सर्प मित्र ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आइए देखते हैं यह खबर। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था की ओर से रेशम बाग में भव्य मेला का शानदार आयोजन किया गया है। इस मेले में झूला, नाव, ब्रिटन क्रॉस, रेंजर के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क और फिश टर्मिनल का आनंद भी आप अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। संपर्क करें उषा वर्मा 9921211168, प्रमोद लोनारकर 9511239541। शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में एक 16 वर्षीय छात्रा ने एक 24 वर्षीय लड़के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है। इसके बाद शांतिनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने 16 वर्षीय लड़की को कोराडी मंदिर दर्शन करने के बहाने लेकर गया। उसके बाद वाथोड़ा स्थित एक लॉज में जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। सुबह जब छात्रा के पेट में दर्द उठा तब इस घटना के बारे में आरोपी से पूछने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन उसने किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दे दी। लेकिन छात्र ने अपनी एक करीबी दोस्त को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद इस हादसे का खुलासा हुआ और तुरंत पीड़ित छात्रा की परिवार वालों ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी चेतन दिनेश साकेवार उम्र 24 साल वर्धा निवासी को गिरफ्तार कर उसे 3 दिन के PCR में भेज दिया है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। 16 वर्षाच्या मुलीने एक कंप्लेंट दिलेली आहे की माझ्यावर 3-8 रोजी रेप झाला आणि तो मुलगाला आता बोलवला असता तो येत नाही। तिच्या रिपोर्टवरून रिपोर्ट दाखल करून 376 प्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्याला आणून अटक केलेली आहे। त्याचा 3 दिवस PCR घेतलेला आहे आणि अधिक तपास आम्ही करीत आहोत। महिला विकास स्वयंरोजगार बहुउद्देशीय संस्था की ओर से रेशम बाग में भव्य मेला का शानदार आयोजन किया गया है। इस मेले में झूला, नाव, ब्रिटन क्रॉस, रेंजर के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क और फिश टर्मिनल का आनंद भी आप अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। संपर्क करें उषा वर्मा 9921211168, प्रमोद लोनारकर 9511239541। जैतखाम चौक धर्मनगर में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक किसी काम के सिलसिले में आरोपी युवक के घर गया था, लेकिन वहां किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और आरोपी युवक पर चाकू से कई वार कर दिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रूपा पंडित। रोजी पोलिसांना माहिती मिळाली होती की धर्मनगर आणि विजयनगर या ठिकाणी एक मारपीट झालेली आहे। अशा माहितीवरून पोलीस स्टाफ लगेच त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना समजले की प्रेम निषाद नावाचा मुलाला भूपेंद्र बगमरिया नावाचा आरोपीने त्याला मारहाण केलेली आहे आणि त्याला मी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेल्यानंतर तो ब्रॉड डेड डॉक्टरांनी घोषित केलेले आहे। यावरून असं समजून आले की दिनांक 27 तारीख रोजी दोन्ही पक्षांचा आपसामध्ये किरकोळ कारणावरून शाब्दिक वादविवाद झालेला होता। त्या वादविवादचा आपसी समझौता करण्यासाठी आरोपीच्या घरी हे मृतक गेलेले होते आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यात आपसात वादविवाद वाढला, त्यामुळे आरोपीने चाकूने मृतकाचा पोटावर आणि मारहाण करून त्याला जीवनशी ठार मारलेले आहे। या प्रकरणी आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि आरोपी याला अटक केलेली आहे। आज त्याला मांडणी न्यायालयात पेश करून त्याचा पोलीस कोठडी रिमांड मागणार आहे। त्यांच्यामध्ये आपसामध्ये शाब्दिक वादविवाद झालेला होता, शिवीगाळ का करतो असं म्हणून म्हटलेला होता, म्हणून या कारणावरून दोघांमध्ये वादविवाद झालेला होता आणि या कारणावरून त्यांनी खून केलेला। त्यांच्या रेकॉर्डची पाहणी करत आहे आम्ही, परंतु रेकॉर्ड दिसणार नाही। मृतक जो आहे हा जो आहे तो कॅटरिंगचं काम करत होता आणि आरोपी हा चिकनच्या दुकानामध्ये काम करत होता।